हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश रंजन आप सभी का तैयारी शाला में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को आज पता है कि आज हम लोग कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। टॉपिक का थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि नॉन फिनाइट्स। तो अगर आप एसएससी का एसएससी का या बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप होंगे, ठीक ना। क्योंकि एक वर्ब, आज आपको मैंने टेंस में एक वर्ब का एक और अलग रोल बताया था, वॉइस में मैंने वर्ब का एक अलग रोल पढ़ाया था। आज हम नॉन फिनाइट वर्ब में एक वर्ब ही पढ़ेंगे लेकिन उसके रोल जो है यहाँ पे बदलते जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए, आज हमारे साथ सेशन के साथ जुड़ी हुई है राखी, अस्मिता, गौरव, सोनू, प्रिया, ठीक ना। चलिए सबको गुड मॉर्निंग। निशा, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ग्रामर को हम इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्या पेपर में पूछे भी जाते हैं और बड़ा कंफ्यूजन भी होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कंफ्यूजन को दूर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वर्ड, ठीक ना, ये वर्ड आपको यहाँ, ये वर्ड हम कहां से लेके चले, ये आपके पास दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ, ठीक ना। आइए तो हम नॉन फिनाइट वर्ब जाएं उससे पहले, ठीक ना, नॉन फिनाइट वर्ब जाएं उससे पहले हमें यहां कहां से आना है, आपको वर्ब से आइए, ठीक ना। वर्ब से आइए कि वर्ब है क्या। तो वर्ब का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरे को बोलते हैं नॉन फेनाइट वर्ब, ठीक ना। तो ये एक चीज है आपको याद रखना होगा, वर्ब का यूज, ठीक ना, हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक ना। अभी बताएंगे फाइनाइट वर्ब भी क्या है और नॉन फेनाइट क्या है। तो वर्ब में आपको वर्ब का यूज पूछा जाए तो दो तरीके से बताना है, क्या, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर टाइप पूछा जाए तो टाइप में कह सकते हो पार्टिसिपल, दूसरा जेरंड और तीसरा होता है इन्फिनिटिव। हमें यही तीन पढ़ना है अभी, ठीक ना। तो हमें नॉन फिनाइट के तीन पार्ट है। अब सेकेंड ऑप्शन आइए, यहाँ पे आइए। अभी आपको मैंने बताया वर्ब का, ठीक ना, अभी मैंने बताया वर्ब का टाइप क्या होता है। तो वर्ब का मैंने बताया था, एक आपका क्या आ गया फाइनाइट और दूसरा क्या है आपका नॉन फाइनाइट। अब देखो इस सेंटेंस में लिखा क्या है, ठीक ना, ये सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, इस सेंटेंस में लिखा हुआ फाइनाइट वर्ब डिपेंड्स, ठीक ना, डिपेंड पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट और टेंस, ठीक ना। तो याद रखना फाइनाइट वर्ब क्या होता है, टेंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज हो जाते हैं, नंबर के हिसाब से चेंज हो जाते हैं और पर्सन के लिए, इन सब पर डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक ना। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब का बात कीजिएगा, ठीक ना, नॉन फाइनाइट वर्ब का जब बात कीजिएगा तो ये कहता है नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट, ठीक ना, सॉरी, डोंट डिपेंड, ठीक ना, डोंट डिपेंड यहाँ पे वर्ब्स है, तो डोंट डिपेंड पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट और टेंस, दोनों में अंतर आपको पता चल गया कि फाइनाइट वर्ब है क्या। तो फाइनाइट वर्ब्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे, पर्सन पे डिपेंड करता है, नंबर पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा यहां पे लिखते हैं ही, ठीक ना, ही प्लेज क्रिकेट। तो देखो यहां पर ही है तो प्लेज हो गया, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में आई लिखते तो क्या हो जाता है, यहां पर प्ले हो जाता, ठीक ना। तो यहां पे देखो क्या होगा, सब्जेक्ट के पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट के अनुसार से ये चेंज हुआ, तो इसको कौन सा वर्ब बोलिएगा, फिनाइट वर्ब। अगर मैंने इसको यहाँ पे पास्ट में ले जाना है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, ही प्लेड बोलना होगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, पास्ट में गया चेंज हो गया, प्रेजेंट में लिखे यहाँ चेंज हो गया, तो पर्सन के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, तो पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार से, टेंस के हिसाब से अगर वो चेंज हो रहा है, डिपेंड कर रहा है इस पे, तो उसको कहिएगा फिनाइट वर्ब, जिसको आपने टेंस में पढ़ा था। लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब मैंने यहाँ पे बोला, जैसे ऐसे सेंटेंस लेते हैं, आई वॉन्ट टू गो, ठीक ना। अब यहाँ पे सी लिख दीजिए, सी तो क्या किस में चेंज होता है, सी अगर लिखते हैं तो बांट में चेंज होगा, लेकिन गो तो वही रह गया ना। अगर मैंने कहा ही, यहाँ पे लिखे ऐसे, ही
चलो मिटाकर मैं लिख रहता हूँ। अगर मैंने यहां पे लिखा आई एंजॉय डांसिंग, अगर मैं इसको ही लिखूं तो इस किस में चेंज होने वाला है, एंजॉय में, ठीक ना। डांसिंग तो वही रह गया। तो फिर मैंने बताया वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं फाइनाइट और दूसरा कौन कहते हैं नॉन फाइनाइट। दोनों में अंतर क्या कहिएगा, जब पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट और टेंस के पर निर्भर करता है, उसके हिसाब से चेंज होता है, तो ऐसे वर्ब को कहेंगे फाइनाइट। राहुल गुड मॉर्निंग, ठीक ना। और नॉन फाइनाइट किसको कहते हैं, जो पर्सन, नंबर और सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता। तो देखो यहां पे मैंने कहा ही तो लिखना पड़ा प्लेस, लेकिन जैसे ही आई आया तो ये अपना नियम बदल लिया, तो इसको कौन सा वर्ब बोलेंगे, फाइनाइट। इसी सेंटेंस में लिखे आई वॉन्ट गो और सी वॉन्ट्स गो, तो गो कहीं चेंज नहीं हुआ, ठीक ना, ये कहीं चेंज नहीं हुआ, ये आपका चेंज हो गया, तो इसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब, जबकि इसको कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब 2 + b1 है तो इसको क्या कहिएगा, इन्फिनिटिव कहिएगा, अभी बताया था फर्स्ट स्लाइड में, ठीक ना। तो याद रखना है इस पॉइंट को कि अगर कोई सेंटेंस में चेंज होगा, ठीक ना, तो किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के। अगला सेंटेंस आते हैं, तो डिफिनेशन अगर कहा जाए नॉन फाइनाइट वर्ब का, तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। कि अगर नॉन फाइनाइट वर्ब को पूछा जाए डिफिनेशन में, टाइप में, तो जेरंड होते हैं और इन्फिनिटिव होते हैं और एक पार्टिसिपल होते हैं। ये समझाने का आसान, समझिए जेरंड कैसे बनते हैं। अगर किसी वर्ब में अगर हमने आई एन जी लगा दिया, अगर किसी वर्ब में मैंने आई एन जी लगा दिया तो बन गया जेरंड। और इन्फिनिटिव कैसे बनते हैं, अगर 2 + वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। और ध्यान रखिएगा ये दोनों कहीं ना क्या काम करता है, नाउन का ही काम करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। जबकि नॉन फाइनाइट का एक पार्ट क्या है, पार्टिसिपल भी है। ये दो प्रकार के याद रखना है, प्रेजेंट और पास्ट। अगर आई एन जी लगा दिया तो इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई डी लगा दिया तो इसको कहिएगा पास्ट पार्टिसिपल। अब आइए, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि आई एन जी तो हम इसमें भी लगा रहे हैं, आई एन जी इसमें भी लगा रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि जेरंड है और कैसे पहचानेंगे कि पार्टिसिपल है। तो याद रखना है कि अगर डूअर, अगर एक्शन को करने वाला पता चल जाए, ठीक ना, तो हमेशा पार्टिसिपल कहिए, और नहीं पता, आगे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सर जेरंड का एक अवस्टेक नाउन का काम करता है, बिल्कुल आप सही है, ठीक ना। चलिए अभी पहले मैं कुछ स्लाइड पर चर्चा करूंगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो जेरंड कैसे बनता है, अगर वर्ब में आई एन जी लगा दें, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ठीक ना। ये आप देखो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये काम करता है, जान लीजिए, एडजेक्टिव का। सबसे बड़ी चीज इसको इंपॉर्टेंट याद रखो, पार्टिसिपल जो बनता है वो क्या बनता है, एडजेक्टिव, और ये क्या बनते हैं, नाउन। अब हम लोग आते हैं पहला चैप्टर आप जेरंड पे, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं पहला चैप्टर जेरंड पे, और उसके बाद हम लोग तीनों चैप्टर पढ़ेंगे धीरे धीरे, और फिर एक टेस्ट जो होगा वो तीनों को मिला करोगे ताकि कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेरंड, तो लिखा क्या है, जेरंड इज एज यूजुअली डिफाइन अ वर्ड, ए वर्ड होता है इंडिंग, ठीक ना, इन, ठीक ना, इंडिंग इन आई एन जी, एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको कैसे बनाया जाता है, वर्ब से बनाया जाता है, एंड फंक्शन ऑफ नाउन, और नाउन में भी कौन सा नाउन याद रखिएगा, अवस्टेक नाउन, ठीक ना। आइए यहां से फिर से समझ जाइए कि जेरंड कहते किसको है। ये नॉन फिनाइट का पहला चैप्टर मैंने यूज किया कि जेरंड इज एज यूजुअली डिफाइन, यानी जेरंड को परिभाषित किया जाता है। परिभाषा कैसे देंगे, एक ऐसा वर्ड, कोई भी वर्ड बोलिए जिसका इंड में क्या लगा रहेगा, आई एन जी। जैसे हम यहाँ पे मैंने कहा प्ले, ठीक ना, तो ये जेरंड नहीं है जब तक इसमें आई एन जी नहीं लगाया, तो इसको बोलिएगा प्लेइंग, तो ये जेरंड हो गए। अगर मैंने लिखा वॉक, ठीक ना, जब मैंने इसमें आई एन जी लगा दिए तो वॉकिंग, ये बन गया जेरंड। और ये फंक्शन, ये देखो आई एन जी लगने से और भी चीज बनते हैं, ये भी फोर भी बन सकता है, लेकिन कब, अभी मैं बताऊंगा। अगर मैंने कहा आई एम प्लेइंग तब तो ये वर्ब समझोगे, लेकिन इनका फंक्शन कैसे होगा, नाउन के रूप में। और नाउन में भी पूछा जाए तो कौन सा नाउन, अवस्टेक नाउन के रूप में, याद रखिएगा, कौन से नाउन, अवस्टेक नाउन के रूप में किया जाता है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है
इस सबको आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जेरंड का डिफिनीशन क्या होता है कि अगर कोई वर्ब में आई एन जी लगा दे, और वो आई एन जी किससे लगेगा, वर्ब से, और उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, नाउन, तब वो जेरंड का काम कहलाएगा। जैसे मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा, लाफिंग इज एन आर्ट, ठीक ना। यहां पर बताओ ये हंसने वाला कोई है, पता है नहीं। यहाँ लाफिंग किसके लिए है, इज के लिए। तो यहाँ पर बताया हंसना एक कला है, ठीक ना, ध्यान रखना। यहाँ रहा हिंदी नहीं निकलेंगे, हंसना एक कला है। तो इसको हम कहेंगे क्या पेपर में, इसको हम कहेंगे जेरंड है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आइए जेरंड का प्रयोग हम कितने तरीके से यूज करेंगे, ठीक ना। जेरंड का प्रयोग हम कितने तरीके से करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो जेरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, पहले सबसे पहले मैंने जेरंड का प्रयोग किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुकिंग, ठीक ना। तो ये कुकिंग इज वन ऑफ आवर हॉबीज, ये आ गया सब्जेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका साइकिलिंग इज फनी, ये सब्जेक्ट है। गेटिंग अ जॉब, ठीक ना, गेटिंग अ जॉब इज नॉट इजी, ठीक ना, ये आपका सब्जेक्ट है। फाइंडिंग, अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ देता हूं। ये देखो, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा सेंटेंस है, रिमूविंग करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी, इसमें सब्जेक्ट जो है ना वो कौन है जानते हैं, रिमूविंग, ठीक ना, ये है। अगर कहा लर्निंग, ठीक ना, लर्निंग यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने यूज किया, मेक्स मैन मोर टॉलरेंट, अगर आप सीखते हैं तो आपको सहनशीलता बना देता है, पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनको टॉलरेंट बना देता है लर्निंग। अब कहा गया है मेकिंग फन, ठीक ना, मेकिंग फन इज अ नाइस थिंग्स, यानी दूसरे पर मजाक, दूसरे का मजाक उड़ाना इज नॉट नाइस, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ वर्किंग, यानी वर्किंग काम करना, ठीक ना, ये लिखा हुआ है, इज अ क्वाइट कॉमन इन दिस कंपनी, यानी इस कंपनी में काम करना एक कॉमन चीज है। ये सब ओवर टाइम का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आ गया। तो यहां से और भी बहुत सारे चीज दिए हैं, कीपिंग, देखो कीपिंग वन सेल्फ फ्री फ्रॉम द टेंशन, यानी तनाव से अपने आप को, खुद को दूर रखना इज द बेस्ट रेमेडी फॉर गुड हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए एक सबसे अच्छा, ठीक ना, रेमेडी है, उपचार है। आप लोग ये सब हमेशा देखेंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस, ठीक ना, ये क्या है आपको ध्यान रखना। तो ये आपके एग्जाम्पल है सब्जेक्ट के रूप में। तो हम जेरंड को, यानी क्रिया के, कह सकते हैं क्रिया के भी फोर को, ठीक ना, अगर आई एन जी लगा दें तो ये क्रिया के भी फोर को हम क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए आप वर्ब भी लीजिएगा, लेकिन वर्ब आपको क्या लेना है, सिंगुलर, याद ये भी रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि कुकिंग, देखो इज आया ना, इज वन ऑफ माई हॉबी, मेरे बहुत सारे हॉबी हैं, उनमें से एक हॉबी क्या है, कुकिंग है। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, यहाँ क्या कौन सब्जेक्ट है, कुकिंग, जो कि भी फोर बनकर सही हुआ, ठीक ना। अगला लिखा हुआ गेटिंग अ जॉब इज नॉट इजी, अच्छी नौकरी मतलब पाना इतना आसान नहीं है। तो ये आपको कौन सा वर्ब मिला, किसके लिए आया, गेटिंग के लिए, पाना आसान नहीं है, क्या पाना, तो नौकरी, ठीक ना, इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। तो आप अगर वाक्य में सेंटेंस के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखना होगा, भी फोर लगाकर, कभी ऐसे नहीं लिख सकते स्मोक इज इंजूरियस, क्या बोलना होगा, स्मोकिंग, कभी ऐसे नहीं लिख सकते कीप वन सेल्फ, क्या लिखना होगा, कीपिंग फ्री, कीपिंग वन सेल्फ फ्री फ्रॉम द टेंशन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द गुड हेल्थ, यानी आपको टेंशन को अपने आप से दूर रखिए और यही सबसे अच्छा उपचार है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आगे लिखा है रिमूविंग करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी समाज से अगर भ्रष्टाचार को खत्म कर दे तो ये एक अच्छा टास्क होगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से भी है, ठीक ना, देखो एक साथ लिखा गया सब। तो कहा गया गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, यानी क्या चीज अच्छा है, देना अच्छा है किस चीज से, लेने से। आगे लिखा हुआ है टॉकिंग टू मच इज नॉट साइन ऑफ इंटेलिजेंट, यानी बहुत ज्यादा बोलना, टॉकिंग टू मच, यहां से टॉकिंग टू मच इज अ नॉट साइन ऑफ द इंटेलिजेंट, कोई बहुत ज्यादा बोलता है इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये संकेत नहीं है कि बहुत ज्यादा वह तेज है। तो आप अपने कॉपी पे इन सारे एग्जाम्पल को, अच्छा जो लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप पहला याद रखिएगा
कि हम किसी वाक्य को बी फोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। क्या जेरंड वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल सब्जेक्ट होगा, उसके लिए बी फोर। और इसका हिंदी कर रहा नहीं बोलेंगे, इसका हिंदी ना ही बोलिएगा। जैसे अभी मैंने बोला हंसना एक कला है, ठीक ना, रोना एक कला है, लोगों को तंग करना अच्छी बात नहीं है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना, लर्निंग अबाउट अदर कल्चर मेक द पीपल मोर टॉलरेंट। तो आप जो भी सेंटेंस अच्छा लगे उसको नोट डाउन करते चलिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, तो जब हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे ना, जब आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे उस समय आपको बहुत आसान होंगे। अगला अगला सेंटेंस लिखा हुआ, जेरंड इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। अब आपको मैं एक सेंटेंस ये बता दिया कि अगर हमने किसी भी वर्ब में अगर आई एन जी लगा दिए तो बना क्या, ये जेरंड बना, ठीक ना, ये बना क्या, जेरंड। और जेरंड क्या बना आपको जानते हैं ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब जेरंड बिफोर आपका जेरंड बना और जेरंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जानते हैं ना बाक का सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, ठीक ना, बाक का सब्जेक्ट नाउन होते हैं, बाक का ऑब्जेक्ट भी नाउन होंगे। तो अभी जितने भी एग्जाम्पल दिए वो मैंने सब्जेक्ट का दिया, अब आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब, अब वर्ब के बाद जो बैठेगा यहाँ पे आप क्या लोगे, नाउन लोगे। और अगर अगर वर्ब लेना है, वर्ब लेना है तो वर्ब में क्या लगा के देखिए, आई एन जी लगा के। तो लिखा हुआ जेरंड यूज एज अ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा आई लाइक, आपको ही बताए थे सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कौन से, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा क्या और किसे से, ठीक ना। तो मैंने पूछा कौन पसंद किया, ही सब्जेक्ट है, क्या पसंद किया है, तो क्या पसंद किया है, रीडिंग पसंद किया है, तो यहां पर ही लाइक्स रीडिंग, तो रीडिंग यहां पर क्या बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। चिल्ड्रेन लव, कौन पसंद, लव प्रेम करता है, पसंद करता है, बच्चे क्या पसंद करते हैं, तो क्या पसंद करते हैं, खेलना। तो यहां पर प्लेइंग वर्ब नहीं है, ये वाक्य का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक ना। अगला कौन आनंद उठाया है, तो दे, क्या आनंद उठाया है, डांसिंग का, तो ये क्या बन चुका है, वाक्य का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक ना। स्टॉप, ठीक ना, स्टॉप माने रोको, क्या रोको, ठीक ना, प्लेइंग क्या रोकना है, रोकना है खेल को, ठीक ना। तो हम वाक्य के ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन तो लिख ही सकते हैं, यहां पर अब जेरंड भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हमने सीखा गया, ठीक ना, हमने सीखा क्या, सारे चीज को जैसे जैसे आपको पढ़ा रहे ना सबको आप जोड़ते चलिए। अभी तक आपने सीखा था टेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब आपने वॉइस में क्या सीखा, ऑब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म। अब ध्यान रखना है अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखे वर्ब लिखे, अब वर्ब के बाद यहां पर आपको नाउन तो लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जेरंड भी लिख सकते हैं, बाक के स्थान पे जेरंड भी लिख सकते हैं। तो एक चीज अगर कहा जाए, मैं आपको अगला स्लाइड में दिखाता हूं, चलिए एक चीज सीखो, अगर वर्ब है, ठीक ना, सेंटेंस में आपने वर्ब लिखा तो वर्ब में आगे क्या क्या आ सकता है जिसको आप सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना, क्या क्या आ सकता है, तो पहला तो हो सकते हैं नाउन आ सकता है, ठीक ना। अब नाउन को अभी मैंने बताया, नाउन का अगर किसी क्रिया में आई एन जी लगा दे वो भी एक प्रकार का नाउन है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। अभी ध्यान रखना टू प्लस वी वन लिखेंगे तो भी अभी सिखाए थे नाउन है, ठीक ना। तो ध्यान रखना एक वर्ब अपने पहले क्या क्या लिया, नाउन लिया, आपको प्रोनाउन लिया, टू प्लस वी वन। अब इधर भी अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, नाउन, और नहीं तो यहां पर भी लिख सकते हैं वी फोर, नहीं तो यहां पर भी लिख सकते हैं टू प्लस वी वन, नहीं तो यहां पर भी लिख सकते हैं प्रोनाउन। तो एक वर्ब अपने पहले क्या लेगा, नाउन लेगा, वी फोर लेगा, प्रोनाउन लेगा, टू प्लस वी वन लेगा। अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा, ठीक ना। अगर इधर मैंने लिया तो इधर भी नाउन हो सकता है, वी फोर हो सकते हैं, टू प्लस वी वन हो सकता है, यहां प्रोनाउन हो सकता है। जैसे मैंने कहा राम, ठीक ना, राम टोल्ड हिम, या चलिए मैं यहां पे लिख देता राम टोल्ड रोहित, ठीक ना, अगर रोहित कहें तो यहां पर भी नाउन और यहां पर भी नाउन, कहानी सही हो गया। अगर मैंने कहा ऐसे सीइंग इज बिलीविंग, देखो इधर भी जेरंड इधर भी जेरंड, देखना ही विश्वास करना है, और ये आपका वर्ब, तो वर्ब के पहले भी बी फोर हो गया और इधर भी हो सकते हैं।
अगर मैंने कहा ही इंजॉयड, ठीक ना, प्लेइंग, अब देखो यहां पर क्या है, इधर प्रोनाउन आया और इधर क्या आएंगे आपका जेरंड कर दिए। तो ध्यान रखना कि अगर वर्ब के पहले कोई भी तीन इनमें से कोई भी एक सही हो सकता है और वर्ब के बाद में भी इनमें से कोई एक सही हो सकता है, ये जरूर नहीं। इधर प्रोनाउन लिए तो इधर नाउन भी ले सकते हैं, बी4 भी ले सकते हैं, 2+B1 भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा राम, ठीक ना, राम नीड्स टू प्ले, तो बताइए ये वर्ब हुआ, इधर राम क्या हो गया नाउन, इधर 2+B1 क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर लिख दिए ये टू प्ले। तो बाक के वर्ब के बाद क्या क्या सही होगा, ठीक ना, अन्नपूर्णा गुड मॉर्निंग, ठीक ना, तो जरा देख लीजिए, आपको मैंने सिखाया कि वर्ब के पहले आ जाए तो क्या सही हो सकता है, एक नाउन है तो सही है, बी4 है तो सही है, प्रोनाउन है तो सही है, 2+B1 है तो सही है। उसी प्रकार वर्ब के बाद भी ये चीज होने चाहिए, अगर इतना है तो सही है, बी4 है तो आज के बाद आप क्या कहिएगा, वो जेरंड है, जेरंड कौन सा नाउन का काम करता है, अवस्टेक नाउन का काम करता है, 2+B1। जैसे मैंने लिखा राम नीड्स टू प्ले, तो ये बिल्कुल सही हो गया, टू प्ले भी बिल्कुल हो गया वर्ब के बाद, तो यहां पे ये सही है। आगे आगे हेडिंग आपको दिख रहा होगा कि यहां पे लिखा हुआ है कि जेरंड यूज आफ्टर द प्रीपोजिशन। अब आप प्रीपोजिशन का डिफिनीशन अगर जानते होंगे तब बताता है क्या प्रीपोजिशन का डिफिनीशन, समझिएगा कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक ना, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक ना, टू कनेक्ट द रिलेशनशिप With another noun and pronoun in the same sentence. तो preposition का प्रयोग किसके पहले होता है, noun के पहले। आप जानते हैं कि हमें noun तो के पहले होगा, जैसे आपने सुना होगा there is a book on the table. देखो तो यहां पर on preposition है, table के पहले आया जो दूसरे noun से relation जोड़ रहा है। तो मैंने कहा प्रेपोजिशन का प्रयोग हम नाउन के पहले यूज करते हैं, तो ध्यान रखना नाउन के पहले होंगे। आप जानते हैं किसी क्रिया को नाउन कैसे बनाते हैं, ing, ठीक ना, तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा, नाउन मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा, नाउन को स्थान पर किसका ही प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन, और कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर कोई प्रीपोजिशन मिला तो इसके बाद तीन ही चीज संभव है आने का, पहला वो बी4 होना चाहिए तो सही है प्रीपोजिशन के बाद, नहीं तो नाउन है जैसे ऑन के बाद मैंने टेबल लिखा तो भी सही हो जाएंगे, और अगर प्रोनाउन लिखे तो कौन सा केस लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस। उसी प्रकार तीन आगे भी संभव है, आगे भी अगर इसके पहले बैठाना है तो नाउन बैठाइए, और नहीं तो वर्ब बैठाइए, और नहीं तो एडजेक्टिव बैठाइए। तो प्रीपोजिशन के पहले भी तीन चीज मिलते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, और प्रीपोजिशन के बाद मिलते हैं बी4 और आपका नाउन और प्रोनाउन। तो देख लीजिएगा, अब आइए यहां पे लिखा हुआ है सी इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, ये क्या मिला आपका, एडजेक्टिव, और ये कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, ऑफ, तो कभी इसके बाद कभी स्विम नहीं लिख सकते, इसके बाद क्या लिखाएगा, बी4, तो ये बिल्कुल सही है। आई प्रिवेंट हिम, ठीक ना, तो मैंने आई प्रिवेंट हिम, मैंने उसे रोका, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जब भी कीजिए तो ये क्या यूज खोज सकते हैं, बी4 हो, नाउन हो या तो प्रोनाउन हो। तो रोका किससे है, खेलने से, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। ही वॉज पनिश्ड, उसको दंड दिया गया पैसिव में, फॉर टेलिंग अ लाई, यानी झूठ बोलने के लिए उसको दंड दिया गया। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं, ये एडजेक्टिव है जरा, ठीक ना, मैं थका हूं किस चीज से, ऑफ वेटिंग, इंतजार करते करते मैं थक गया हूं। यहां ऑफ जो है ना ये किसके लिए है, टाइड के साथ, तो ये ध्यान रखना होगा कि प्रीपोजिशन के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बी4, जेरंड। और अगर और भी डिटेल में पढ़ना है तो हम प्रीपोजिशन के बाद नाउन सही हो सकता है, नहीं तो प्रोनाउन सही हो सकता है। जेरंड पढ़ रहे हैं इसलिए सारा एग्जाम्पल आपका जेरंड का मैंने दिया, जिस दिन प्रोनाउन ये प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो सबका एग्जाम्पल देंगे। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अभी तक मैंने बताया
जेरंड किसी वाक का सब्जेक्ट हो सकता है, जेरंड किसी वाक का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जेरंड किसी वाक का ठीक ना सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है। अगला सेंटेंस देखो, लिखा हुआ है अगला सेंटेंस कि जेरंड यूज टू शो द कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना, तो डोंट कंफ्यूज दिस वर्ड, ठीक ना। एक कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना, और ई लगता है तो इसका मतलब होता है पूरक, इसको पूरक कहते हैं। जैसे मान लो कि ये मोबाइल है और ये उसकी बैटरी है, तो बैटरी और मोबाइल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसके बिना तो मोबाइल चलेगा नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, किसी चीज को मिलाने से वो कंप्लीट होता है तभी बोलिएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। अगर फैन है और उसके विंग्स कहीं है, तो विंग्स के बिना फैन का कोई तो मतलब नहीं, तो फैन विंग्स क्या हो जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। अगर पेन है, उसके आपने कोई चीज को हटा दिया तो वो क्या होगा, मिलाने से पेन अगर कॉम्प्लीमेंट, वो एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ध्यान रखना, अगर कोई चीज किसी चीज से अगर ऐड होकर वो पूरा बनता है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सेंटेंस में कैसे समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आई, ठीक ना, एम, अब बताइए सेंटेंस कोई दिया नहीं, लेकिन जैसे मैंने इसमें लिखा आई एम अ टीचर, तो हम कहेंगे ए टीचर जो है ना, आई एम का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैंने कहा सी इज खाली लिख दे तो मीनिंग नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने बोला सी इज अ डांसर, ठीक ना, तो यहां पर डांसर क्या है, सी इज का कॉम्प्लीमेंट है, जैसे मिला तो ये मीनिंग दे दिया। तो ध्यान रखना है कि अब माई हॉबी इज डांसिंग, तो यहां पर यहां नाच रहा है नहीं, हॉबी की ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जैसी मिला तब ये हॉबी पूरा हुआ, ठीक ना। आई एम डांसिंग बोले तो ये एक्शन होगा, मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या है, माई हॉबी इज डांसिंग, तो मैंने हॉबी को बताया मेरा हॉबी क्या है, नाचना है। देखो कभी भी ना मीनिंग आ जाए ना तो वो समझना जेरंड, ठीक ना। जैसे मैंने कहा हंसना एक कला है, तो लाफिंग मैंने यूज किया, तो यहां पर नाच रहा है, हॉबी क्या है, क्या है, नाचना है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। सीइंग इज अ बिलीविंग, अभी मैंने कहा देखना ही विश्वास करना, तो ये देखने के लिए ये वर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। हिज पैशन, उसका पैशन क्या है, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ना लग रहा है, देखो ना बोल रहे हैं तो ना लग रहा है, तो जेरेंड है, ठीक ना। अब व्हाट डज सी डज नॉट लाइक, यहां तक आ गया। अब ये कहा गया जो बा पसंद नहीं करती है, अब क्या इसका मीनिंग तो नहीं निकला, लेकिन इज ड्रिंकिंग जैसी बोले तो ये एक मीनिंग बताया, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट डज नॉट लाइक, जो वह पसंद नहीं करती है वो क्या है, ठीक ना, पीना, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब, टेंस में मैंने पढ़ाया इसको, तो व्हाट सी डज नॉट लाइक इज ड्रिंकिंग, तो इज ड्रिंकिंग पीना बोल रहे हैं, वो जो वह पसंद नहीं करती है वो क्या है, पीना पसंद नहीं करती है। उसका पैशन क्या है, जुआ खेलना है, ठीक ना, और उसका हॉबी क्या है, नाचना है। तो हम कभी भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर आप यूज करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, जेरंड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो चलिए जरा समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सेंटेंस लिख रहा, ठीक ना। आज अपने स्क्रीन को बढ़िया सा सिर्फ समझिए, ठीक ना, कमेंट हम लोग लास्ट में लेंगे। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है जेरंड यूज्ड आफ्टर अपोस्ट्रोफी एस एंड पोसेसिव एडजेक्टिव, तो ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, तो ध्यान रखते हैं ना कि अगर ये नाउन के साथ ही संभव है, ये नाउन के साथ है, तो इसके बाद दो ही चीज संभव है, या तो आप नाउन लगा दो या तो आप क्या लगा दो, क्रिया में आई एन जी लगा दो। यही ध्यान रखना होगा कि जब हम आप पोस्ट ऑफिस एस देखेंगे तो इसके बाद दो ही चीज संभव है, या तो आप नाउन लिखिए और या तो आप आई एन जी लिखिए, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना होगा। जैसे मैंने कहा राम आप पोस्ट ऑफिस एस ब्रदर, ठीक ना, अब यहां पे ये सही होगा, या तो हम बोल सकते हैं राम आप पोस्ट ऑफिस एस और मैंने यहां साउट किया तो ये गलत हो गया, क्या करना होगा, साउटिंग, तो राम का चिल्लाना या राम का भाई। तो अगर मैं तो आपको जेरन पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको और भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इससे ज्यादा आपको आएगा ही नहीं, तो
तो अगर कोई नाउन में आपने आप पोस्ट ऑफिस लगा दिया तो इसके बाद केस क्या होंगे, पहला केस तो नाउन जोड़िए और नहीं तो वर्ब का अगला केस क्या होगा, जेरन जोड़िए। तो चलिए यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ। आई पोस्टपोन, मैंने स्थगित करता हूं, क्या स्थगित करता हूं, माई फ्रेंड्स गोइंग टू दिल्ली। अब देखो यहाँ मेरे दोस्त का दिल्ली जाना, तो आप पोस्ट ऑफिस है, आप जेरंड है तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर गो रहता तो गलत हो जाते। तो क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि कभी भी आप पोस्ट ऑफिस के बाद क्या वर्ब हो तो उसको क्या फॉर्म में लिखना है, आई एन जी, और नहीं तो नाउन हो। अगला लिखा है आई एप्रिसिएट, मैं प्रशंसा करता हूं, तो प्रशंसा क्या किस चीज का किया है, लता का या सिंगिंग का। तो आपको याद मैंने सिखाया जब भी आप पोस्ट ऑफिस लगेगा तो इसको फोकस कीजिएगा, तब प्रशंसा करते हैं गाना का, लेकिन गाना किसका था, लता का। तो यहाँ पर सिंग कभी नहीं लिखना होगा, ठीक ना। अगला सेंटेंस है, अगला आपको याद रखना है पोसेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, ये तो आप पोस्ट ऑफिस हो गया। पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं अगर माई है, ठीक ना, आवर है, योर है, हिज है, हर है, डियर है, ठीक ना। इस सारे वर्ड के साथ भी दो ही चीज संभव है, या तो आप नाउन लिखो और नहीं तो क्रिया में क्या लगाना होगा, आई एन जी। दोनों इससे ज्यादा आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना होगा कि अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है या ये सब है तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, या तो नाउन लिखिए या तो बीफोर लिखिए। जैसे मैंने कहा माई बुक, बुक क्या है, नाउन, तो ठीक है, लेकिन कहेंगे माई स्पीकिंग, तो स्पीक बोलोगे तो गलती हो जाएंगे, क्या करना होगा, माई स्पीकिंग, ठीक ना। ये अगर मैंने कहा योर, ठीक ना, योर ब्रदर, तब ब्रदर है तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन योर हैंड राइट बोलेंगे तो क्या सही होगा, नहीं, योर हैंड राइटिंग इस तरीके से करेंगे। तो आपको पोसेसिव एडजेक्टिव, तो देखो यहाँ पे अगर ही सेंटेंस के सी डज सी शुड नॉट माइंड योर कम लिख देता तो ये सेंटेंस हो जाते गलत। तो ध्यान रखना ही पोसेसिव एडजेक्टिव है तो क्या करना होगा, कमिंग करना होगा, ठीक ना, ये ध्यान रखना होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने कहा आई लाइक योर स्पीक, क्या ये सेंटेंस सही होंगे, नहीं, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, आई एन जी, आई लाइक योर स्पीकिंग करिएगा, ठीक ना। अगर सी हेट्स योर कम लेट तो ये गलत हो जाएगा, क्या करना होगा, कमिंग लेट, ठीक ना। तो आपको याद रखना है क्या, आप पोस्ट ऑफिस एस के बाद जेरंड लिखना है और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरंड, यहां तक की और डिटेल में याद रखें, दो ही चीज संभव है, या तो नाउन नहीं तो जेरंड, तीसरा ग्रामर का कोई भी वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। तो एक बार फिर से मैं यहां बता रहा हूं क्या क्या सीखे, सब्जेक्ट को बताने के लिए, ऑब्जेक्ट को बताने के लिए प्रीपोजिशन के बाद आपको जेरंड लिखना है, कॉम्प्लीमेंट के बताने के लिए आप जेरंड यूज करेंगे, और आप पोस्ट ऑफिस को बताने के लिए जेरंड का प्रयोग करेंगे, और आपका आप पोस्ट ऑफिस पोसेसिव एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस आपको चलिए सीखते हैं अब यहां से, कहां कहां हम लोग जेरंड का प्रयोग करेंगे। एक वर्ड, अगला वर्ड आपको मिलने वाला यहां पे मिल रहा है बर्थ, ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा। तो ये बर्थ का प्रयोग दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है नाउन और दूसरा इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आपको ये सब ध्यान रखना, बर्थ का नाउन जिसका मतलब होता है कीमत, और एडजेक्टिव के रूप में लिखना होगा के लायक या के योग्य, ठीक ना, ये दो मीनिंग होंगे। तो आपको याद रखना अगर ये एडजेक्टिव के रूप में होंगे तो इसके बाद आपको क्या लिखना होगा, जेरन, ठीक ना, इसके बाद लिखना होगा जेरन। जेरन कैसे बनते हैं, वर्ब का चौथा रूप, और अगर नाउन के रूप में आएंगे तो ध्यान रखना इसका हिंदी होता है कीमत, कैसे पहचानिएगा, और तो आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। तो मैंने कहा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेपोजिशन के बाद अगला, कभी पेपर में अगर बर्थ मिला तो आपको याद रखना इसका अर्थ कीमत भी होता है, तो ऑफ लगाइएगा, सारा आपको इसके रहस्य को जान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। जैसे मैंने कहा व्हाट इज
द बर्थ ऑफ दिस पेन। अब देखो कैसे पेपर में पहचानोगे, देखो यहां आर्टिकल लगा हुआ है और उसके बाद आया है, तो हम समझ जाएंगे आर्टिकल किस में लगता है, नाउन में लगता है। तो मैंने पूछा इस कलम की कीमत क्या है, ये ध्यान रखना होगा इस कलम की कीमत क्या है। लेकिन कहेंगे ऐसे दिस बुक इज सॉरी वर्थ रीडिंग, रीड करोगे तो गलत हो जाएंगे। तो क्या समझेगा, यहां वर्थ आया और रीडिंग आया, तो क्या समझ में आया, पढ़ने लायक है या किताब पढ़ने लायक है। तो देखो ये कैसे मिलेंगे, अगर इस स्ट्रक्चर में हम यूज कर ले तो इसको याद रखिएगा, सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे और उसके बाद आपको बर्थ मिलेगा और बर्थ के बाद ठीक आपको क्या लिखा रहेगा, जेरन। ठीक ना, बर्थ के बाद आपको ठीक क्या लिखेगा, जेरन। जैसे मैंने कहा दिस प्लेस, ठीक ना, दिस प्लेस इज बर्थ और यहां पे लिखा रहा विजिट, क्या सही होंगे, दिस प्लेस इज वर्थ विजिट, तो गलत हो रहे हैं, क्या करना होगा, विजिटिंग। ये तो वर्ड आपको याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन करके लिखते जाइए, ठीक ना। तो आपने कहा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे इसका, ठीक ना, तो आपको क्या करेंगे, सब्जेक्ट जिसके बारे में बताना है, ठीक ना। जैसे मैंने कहा योर अ स्टोरी, ठीक ना, योर अ स्टोरी इज वर्थ, अब यहां पे मैं वर्ड लिखूं लिसन, क्या सही होंगे, नहीं, तो क्या करना सही होगा, लिसनिंग, तुम्हारी कहानी सुनने लायक है। तो याद रखना है कि हमें कभी भी आपको सेंटेंस में ये मिल जाए कि आपका स्टोरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और जेरंड, तो आपको क्या करना होगा, उसमें आई एन जी लगा देना होगा। अब एक मैं आपको वर्ड दे देता हूं, साइनो एंटो में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर इस सेंटेंस में आपने बर्थलेस लगा दिया और एक मीनिंग बनेंगे आपका प्राइसलेस लगा, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा नेम पड़ेंगे, मतलब अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब जिसकी कीमत कुछ नहीं लगाया जा सकता और इसका मतलब होता है ऐसी जिसका कीमत आप लगा ही नहीं सकते। समझो कि किसी के घर में पड़ा हुआ कोई चीज है जिसको कोई खरीदार नहीं है तो वो क्या होगा, वर्थलेस है। लेकिन कोई चीज अगर आप बेचने जा रहे हैं उसको 50 को खरीदार है तो वो क्या है, प्राइसलेस है। जरा दोनों मीनिंग को ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि अगर हमने वर्थलेस लिखा तो वर्थलेस का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जिसको कोई कीमत नहीं दे सकता, मतलब जिसका मूल्यहीन बोलोगे, ठीक ना, जिसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु जिसका मार्केट में गया कि लोग खरीदार बहुत ज्यादा है तो उसको क्या बोलिएगा, प्राइसलेस। तो आपको ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटोनेम है, ठीक ना, तो ये वर्ड भी याद रखिएगा। तो अगर हम कहें कि अगर वर्ड के बारे में इतना जानकारी आप रखते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मुझे पढ़ाना था ये लेकिन मैंने सारा जानकारी दिया, इसका मतलब कीमत भी होता है, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन भी आता और इसके साथ लेस लगता है, तो ये बताता है जिसकी कोई कीमत, मान लो कि आप अपने घर में कोई चीज रखे हैं जिसकी अगर बाजार में लेके जाए खरीदार नहीं, वर्थलेस है, तो ये याद रखना है। अब मुझे थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे ये बताओ सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक ना, मुझे थोड़ा सा आप लोग कमेंट भी अब कीजिए, ठीक ना, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको अब तक, क्या क्या कहां कहां हम लोग ठीक ना इसका यूज किए, ठीक ना, क्या है ना कि सबको आप, चलिए इस सर क्लियर है, प्रिया बता रही है, राखी बता रही है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी उतार सकते हैं, ठीक ना, और नहीं तो साथ में नोट डाउन भी कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी। इतना अगर आप याद रखते हैं ना बर्थ के बारे में, ठीक ना, तो आप बहुत आसान से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा मैं सबको वहीं पे, जैसे मैंने जेरन पढ़ाया लेकिन नाउन को भी मैंने बताया, ठीक ना, तो चलिए क्लियर है, ठीक ना, बहुत अच्छा। तो आप अब मैं इसको अगला स्लाइड पे चलते हैं, अगला स्लाइड में हम लिखेंगे ऐसे कुछ वर्ब, ठीक ना, अगला स्लाइड में हम लोग लेते हैं, देखो ये सब वर्ड याद कर लीजिएगा। पहला वर्ड है लुक फॉरवर्ड,
टू, एक पहले ये चीज ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन के बाद अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, प्रीपोजिशन लिखते हैं ना, इसके बाद आप बी फोर यूज कीजिएगा, अभी मैंने बता दिए थे ठीक ना। और जब टू लिखिएगा तो टू लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा वर्ब के बाद ठीक ना आपको बी वन होंगे, वो बहुत ज्यादा ऐसे वर्ब हैं, और टू के बाद आपको बी फोर भी मिलेंगे, तो हम कहते हैं इसका 96% ऐसे वर्ब है ना जो आपको 2+B1 है, तो 4% ऐसे वर्ब है जिसके बाद आपको क्या लेना लेना है, जेरंड लेना है ठीक ना। तो हम इस वर्ड को रिमेम्बर नहीं करेंगे ठीक ना, ये चार गो है तो आसान कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर टू मिला ठीक ना, टू मिला समझो, प्रीपोजिशन मिला, जैसे आप प्रीपोजिशन जानते हैं ना, फॉर है, एट है, अबाउट है, जैसे आप प्रीपोजिशन में आपको कभी फॉर मिला, एट मिला, अबाउट मिला ठीक ना, इन मिला, ये सब मिल गया, तब तो आपको याद रखना है क्या लेना, भी फोर। अगला वर्ड मैंने लिखा कि अगर टू मिला, तो टू मिला है तो दो केस बनेंगे, भी वन भी होगा और भी फोर भी होगा। तो मैंने कहा कि अगर इसको परसेंटेज में तोड़े तो 96% वर्ब जो है ना वो आप मान लो कि उसके बाद भी वन होता है, और एक है कि भी फोर भी सही होते हैं, लेकिन ऐसे इसकी संख्या बहुत कम है, तो हम इसको याद नहीं करेंगे, हम इसको याद करेंगे। तो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा, लुक फॉरवर्ड टू ठीक ना, लुक फॉरवर्ड टू, यानी आपका इसका मतलब अगर हिंदी लिखना है तो लिखिएगा आशा करना या उम्मीद करना, आशा करना या उम्मीद करना होता है ठीक ना, आपको ये याद रखना होगा। उसके बाद लिखिएगा ऑब्जेक्ट टू ठीक ना, इसको कहेंगे विरोध करना या एतराज, एतराज करना। उसके बाद आपका ध्यान रखना है टेक टू ठीक ना, इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा, टेक से कितने तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे। टेक टू का मतलब होता है आदत होना, आदत होना या सहारा लेना किसी चीज का ठीक ना। और फिर आपका विथ अ व्यू टू, देखो ये तीन चार वर्ड अभी मैंने लिखे, इसका मतलब होता है के लिहाज से ठीक ना, के लिहाज से। देखो इसके अंत में आपको क्या मिला, टू मिला, टू मिला, टू मिला, लेकिन ये सब के बाद आपको ध्यान रखना होगा, अभी और भी वर्ड हैं, पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद अगला वर्ड लेंगे। जेरंड, जेरंड कहने का मतलब आपको जब भी बोलेंगे तो वर्ब का चौथा रूप, तो अभी और भी वर्ड है, पहले इतना क्लियर कर लेते हैं। तो याद रखना है लुक फॉरवर्ड टू, टू आता है तो हम भी वन भी लेते हैं और भी फोर भी लेते हैं, तो भी वन वाली संख्या जो है ना बहुत ज्यादा है तो उसको मत याद करो, लेकिन भी फोर वाला संख्या गिना चुना है जो मैं आज याद करवा दूंगा। यहां पर लुक फॉरवर्ड टू लिखा रहेगा तो इसके बाद कभी भी वन नहीं लिखिएगा। टेक टू, सॉरी ऑब्जेक्ट टू है, ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है विरोध करना या एतराज करना, तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, सबके बाद जेरंड का प्रयोग करेंगे। तो ये चार वर्ड है आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको बनाने के लिए, आइए यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आपको गलती बताना है, टू गेट जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। इस सेंटेंस को सही करके बताओ जल्दी सा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर, कैसे सही होंगे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर, हम लोग आशा कर रहे हैं, और क्या आशा कर रहे हैं, नौकरी पाने का, और कहां, तो सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने का। चलिए सबसे पहले सबनम ने बताया लुक फॉरवर्ड के बाद गेट नहीं गेटिंग होगा यहां पे, तो क्या कैसे सुधारे यहां पे, टू गेटिंग, तो बस वर्ड मुझे याद, देखो ये कभी संभव होगा, बिल्कुल गेटिंग सबका आंसर आ गया। देखो मुझे भी अगर दिमाग चलता है कब, जब लुक फॉरवर्ड याद था तभी ना चला, अगर याद ही नहीं रहेगा तब तो फिर आपके लिए कुछ भी लिख दीजिए सब सही लगेगा। तो
अगर अभी आपने चार वर्ड सीखा तो आपको पेपर में कभी आपको मिलेंगे तो दिमाग काम करेगा, अगर आप जान भी नहीं करिएगा लुक फॉरवर्ड क्या है, इसके बाद क्या चलता है, तो मुश्किल होंगे। तो चीजें आसान तभी होगा जब उसके बारे में जानकारी होगा। अगर मैं इस अगला सेंटेंस लिख रहे हैं, अगला आई एम लुकिंग फॉर वर्ड्स टू मीटिंग माई फ्रेंड्स, तो मैं अपने दोस्त से मिलने का उम्मीद कर रहा हूं। आप पेपर में जो नहीं जानता वो क्या करेगा, टू है तो यहां पर भी फोर नहीं, क्योंकि उसने सीखा आई वॉन्ट टू गो, आई ट्राई टू डू दिस वर्क, टू के बाद भी वन आपको पता है, ठीक ना। 90% स्टूडेंट्स अगर कहिएगा तो पढ़ते पढ़ते इतना पता चल कर लिया कि टू के बाद भी वन होते हैं। हाँ बिल्कुल भी वन होते हैं, क्योंकि आप 90 पर पढ़िएगा ना कभी लैंग्वेज पेपर वगैरह, तो आपको टू के बाद बहुत जगह भी वन दिखेंगे और बहुत कम जगह दिखेंगे भी फोर। तो लड़का ऑब्जर्व कर लिया कि भी वन होता है, ठीक ना। लेकिन आपको अब याद रखना है तो क्या कहा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं क्या, अपने दोस्तों का मिलने का, थे हाँ मीटिंग है, तो बिल्कुल सही हो गया। अगर मैंने एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ही ऑब्जेक्टेड, ठीक ना, टू स्पीक, ठीक ना, स्पीकिंग कर देते हैं सही, ही ऑब्जेक्टेड टू अ स्पीकिंग, ठीक ना, ओवर हेयर, ठीक ना। तो यहां पर ही ऑब्जेक्टेड टू अ स्पीकिंग ओवर हेयर, ओवर हेयर मतलब यहां पर बोलने का उसने विरोध किया, तो यहां पर टू अ स्पीक नहीं करेंगे, ही ऑब्जेक्टेड टू अ स्पीकिंग ओवर हेयर, यहां पास्ट में है तो कहा गया है श्योर एक्सेप्शनल वर्ड आ जाता है। हाँ एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए एक्सेप्शनल वर्ड से ही तो बनेंगे, ठीक ना। तो कहा गया है उसने विरोध किया, ऐतराज जताया, क्या ऐतराज जताया, बोलने का, ठीक ना। और ओवर हेयर मतलब होता है यहां पे, ठीक ना, जैसे मैं हंसने का विरोध करता हूं, ठीक ना, मैं हंसने का विरोध करता हूं, तो मैं करता हूं तो क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, करता हूं तो प्रेजेंट में हो गया, आई हैव ऑब्जेक्टेड। अब हंसना का क्या मीनिंग होता है, लाफ, तो यहां पर क्या करेंगे, लाफिंग करेंगे, ठीक ना। यहां पे वर्ड आएंगे आई हैव ऑब्जेक्टेड टू लाफिंग। सबनम बता रहे हैं सर फर्स्ट सेंटेंस में लुकिंग लुकिंग और लुक में क्या चेंज आया, ठीक ना। देखो लुक कब करोगे, जब जैसे मैंने कहा ऐसे आपको ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, अगर मैं इस सेंटेंस में ऐसे लिखूं बी लुक फॉरवर्ड, तो ये कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद करता हूं किस चीज का, ठीक ना, आई लुक फॉर, वी लुक फॉरवर्ड टू, ठीक ना। अब जो चीज का उम्मीद करते हैं यहां पे कैसे, वी लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग, प्लेइंग कर दीजिए, यहां पर सिर्फ टेंस का अंतर आया, लुकिंग करोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, बी लुक फॉरवर्ड करोगे तो प्रेजेंट, आशा करते हैं, ऐसे मैं अच्छा नौकरी पाने का आशा करता हूं, या तो बनेगा क्या आई लुक फॉरवर्ड, और अगर सर यहां सब बाद में पोसेसिव एडजेक्टिव बिफोर, हाँ अगर मैं चाहूं तो इसमें आई ऑब्जेक्टेड टू लाफिंग के जगह पे अगर किसी को बताएं कि तुम्हारा हंसना को मैं विरोध कर, ये लाफिंग अगर मैंने लिखा तो ये किसी का भी हंसना होगा, लेकिन सबका पसंद करें मैं तुम्हारा नहीं पसंद करें, तो मैं क्या लिखूंगा आई ऑब्जेक्टेड टू योर लाफिंग, तो ये एक पर्टिकुलर हो गया, तो दोनों सही होंगे, आई ऑब्जेक्टेड, ही ऑब्जेक्टेड टू माई स्पीकिंग, तो इसका मतलब केवल मेरा ही स्पीकिंग का उसने विरोध किया, तो इससे भी सही हो जाएंगे, और इसको बिना लगाए भी हम सही कर सकते हैं। हाँ यस सर गॉट इट, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हाँ वो आप यहाँ पे चाहो तो हैव लगा सकते हो तो ईडी लगाना होगा, बिल भी लगा सकते हो तो फ्यूचर में चलेंगे, जैसे बी शैल लुक फॉरवर्ड टू, तो वो टेंस के हिसाब से चेंज हो गया। बताए ना सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लिखा जाता है ये टेंस के हिसाब से आपको चेंज करना होगा, तो टेंस आप लोग ने पढ़ा ही है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से ऑब्जेक्ट आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसको कुछ अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, बस आपको क्या है ना जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उसको आपको कनेक्ट करते जाना, जोड़ते जाना, याद रखना है वर्ड को, बस आसान हो जाएंगे, ठीक ना। मुझे भी
चीजें तो मुझे भी याद रखना पड़ता है, और याद रखने के बाद जोड़ना पड़ता है कि इसको किससे जोड़े। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा ही बेंट टू दिल्ली, ठीक ना। अब ही बेंट टू दिल्ली, उसने दिल्ली गया है, लेकिन अब बताया किस लिए गया है। तो मैंने कहा विथ अ व्यू टू, अब मैं यहां पे सेंटेंस लिखा अर्न मोर मनी। बताइए सेंटेंस सही होगा या कैसे सही करिएगा। ही बेंट टू दिल्ली और उसके बाद आपको लिखा हुआ है किस लिए गया है, तो ध्यान रखिएगा कि लिखा हुआ है टू विथ अ व्यू टू अर्न मनी। जैसे अब एक और लिखते हैं यहां पे, वी हैव चलिए सबने बताया अर्निंग होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही आप लोग हैं। अगर मैंने कहा वी हैव कम हेयर विथ अ व्यू टू लर्न इंग्लिश, बताइए इसको कैसे सही करिएगा। ठीक ना, वी हैव कम हेयर विथ अ व्यू टू लर्न इंग्लिश, इसको कैसे सही करेंगे। तो आपको याद रखना था विथ अ व्यू टू, इसके बाद क्या बताया जेरंड, ठीक ना। तो यहां पे क्या हो जाएंगे जेरंड हो जाएंगे। तो यहां पर क्या करिएगा, यहां पे करना होगा लर्न के जगह पर क्या करें लर्निंग, ठीक ना, लर्न के जगह पे क्या करिएगा लर्निंग। शबनम और प्रिया सबने लर्निंग बताया तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। अगला देखो, अगला मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं टेक का, और टेक पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस टेक का मतलब समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग आएंगे। कोशिश मुझे ये अंग्रेजी पढ़ाना नहीं, आपको सिखाना है, ठीक ना। और सिखाने के लिए आपका हर रूल आपको याद रखना होगा, सिर्फ जेरंड नहीं। अब आइए, अगर आपका समझ समझ जाइए, अगर टेक का मतलब आप लोग जानते क्या है, लेना, ठीक ना। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। जैसे मैंने कहा ही टुक दिस बुक, तो यहां पर जैसे ही बुक आ गया ना, तो उसने इस किताब को लिया, बिल्कुल लर्निंग होगा। तो ध्यान रखिएगा पहला मीनिंग तो मैंने बताया, टेक के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप कहिएगा लेना, ठीक ना। यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ, ठीक ना, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक, इस तरीके से मैंने बोला। तो अगला मैं बता रहा हूं टेक के बाद, ठीक ना। अगला आपको रूल क्या याद रखना होगा, टेक के बाद, ठीक ना, अगर आपका टाइम आ जाए तो उसके बाद आपको याद रखना है टू प्लस बी वन लगाएंगे, टू प्लस बी वन लगाएंगे। और यहां इसका हिंदी लगेगा क्या, लगता है या लगती है, ठीक ना। अब ये टेंस के हिसाब से फिर चेंज होगा। जैसे मैंने कहा सी, अब सी टेक्स, तो सी टेक्स का मतलब आपको समझ में आ गया ना, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट। सी टेक्स 4 आवर्स टू एडॉर्न हर सेल्फ, इसका मतलब क्या समझ में आया कि वह खुद को सवार है। एडॉर्न का मतलब सिखाए थे कि अगर मेल और फीमेल अपने आप को सजाने या सवारने के लिए यूज करेंगे तो एडॉर्न करिएगा। तो सी टेक्स 4 आवर्स टू एडॉर्न हर सेल्फ, यानी खुद को सवारने में वह 4 घंटा लगाती है, ठीक ना। इस तरीके से पास्ट का बनाइएगा तो क्या कहेंगे, आई टुक टू, चलिए इसी चीज को लिख देते हैं, 4 आवर्स टू कंप्लीट माई वर्क, ठीक ना। ये तो क्या समझ गए, मुझे अपना काम करने में 4 घंटा लगा। फ्यूचर बना लेते हैं, क्या करिएगा, आई सेल टेक, ठीक ना, 3 days, 3 days टू रीच देयर। तो क्या कहिएगा, मुझे वहां पहुंचने में 2 नहीं 3 दिन लगेंगे। अब लगता कब बोलिएगा, जब भी वन रहेगा तब ना। अब इसको पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, लगा, और इसमें क्या है, लगेगा। तो
तो मुझे वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। तो याद रखना है कि टेक के बाद अगर टाइम आ जाए, टाइम के बाद आपको 2+B1 आ जाए, तो लेना नहीं कहेंगे, लगता बोलिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। जैसे मुझे आपको समझाने में 2 घंटा लगा, पास में हो गया, लगेगा। अब मैंने कहा सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करने में अभी और कुछ साल लगेंगे, तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट विल टेक सेवरल ईयर्स टू इराडिकेट द करप्शन। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो सिर्फ आप एक चीज मत जानिए, ठीक ना। अब मैं एग्जांपल मिटा देता हूँ, सॉरी यहाँ चले गया। अगला वर्ड आपको ध्यान रखना था, चलिए इरेज हो गया आपका पूरा, कलर ले लेते हैं। अगला याद रखिएगा, अभी मैंने बोला टेक के साथ, अगर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक के साथ टू आ जाए, ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइम नहीं है, तब इसके बाद आपको याद रखना है कि क्या लिखना होगा, जेरंड। और जेरंड लिखिएगा तो इसका मीनिंग होगा क्या, आदि होना, ठीक ना, या किसी चीज का सहारा लेना, ठीक ना, सहारा लेना। इस तरीके से एग्जाम में आया था, इन ऑर्डर टू फॉरगेट हिज एंग्जाइटी, ठीक ना, अपने चिंता को भुलाने के लिए, ठीक ना, ही टुक टू हैव बाइन। ये देखो पेपर में पूछा हुआ, इन ऑर्डर टू फॉरगेट हिज एंग्जाइटी, इसका मतलब क्या हो गया, अपने अपने चिंता को भुलाने के लिए ही टुक टू वाइन, उसने शराब का सहारा ले लिया, शराब पीने का सहारा ले लिया। तो टेक टू है तो इसको सही कैसे करोगे, हैव के जगह पर हैविंग करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन है, आज आपका क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल हम और कुछ जेरंड के बारे में सीखेंगे, अभी टेक खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ इसमें बताना है, ठीक ना। और उतना अगर आपने यूज कर लेते हैं तो फिर आपका कभी डाउट नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। तो समझ में आया तो जल्दी से बोलिए आप लोग, सब लोगों को क्लियर है, ठीक ना, जल्दी से अपना कमेंट कीजिए, सबको समझ में आया तो क्लियर है बोलिए। और आपने, फिर मैं बता रहा हूं, टेंस वॉइस और उसके बाद ये सब पढ़ते आओगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फाइनली सबको एक तरीके से जोड़िए, ठीक ना, तब आसान होंगे, ठीक ना। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, निशा बता रहा है क्लियर है सर, क्लियर है। इसको आप एक बार अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आप कुछ वर्ड को भी कलेक्शन करके चले, ठीक ना, नहीं तो ऐसा होगा कि आप सुन रहे हो और जब मैं टेस्ट लगाऊंगा तो आपको मुश्किल हो जाए, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सबको क्लियर है, सबने बोला परफेक्ट क्लास सर, सर बाइंड अप मींस ओवर होता है, हाँ डब्लू वाला मैं यूज कर रहा हूँ, डब्लू वाला, ठीक ना। योर लर्निंग बे इज रियली वेरी ऑसम, ठीक ना, थैंक यू शबनम, सबको, चलिए बाय निशा, सबको। और कोशिश कीजिए कि आप एक बार घर पे एक बार इसको फिर से देखिए, डाउट को क्लियर कर लीजिए, और फिर कल हम लोग इसी से यहां से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।